दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी आ रही है एक बड़ी खबर। जी हाँ, किसानों के लिए आ रही है सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर, बड़ा ऐलान। अब किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने किया है बड़ी योजना का ऐलान। केंद्र समेत राज्य सरकारें भी किसानों की आमदनी बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार ने दूध उत्पादन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा समस्तीपुर में 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट और भोजपुर के बिहिया में 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के पशु आहार कारखाने लगाए जाएंगे। पूर्वी चंपारण जिले के मठबनवारी में 11 महीने के रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार मदर डेयरी के प्रतिदिन 1 लाख लीटर क्षमता के दूध प्रसंस्करण प्लांट का बीते शनिवार को उद्घाटन किया गया था। इस प्लांट द्वारा मार्च से 1250 गाँव के 50,000 किसानों से प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध का संग्रह किया जा सकेगा। इससे इस प्लांट के खुलने से बिहार में अब सुधा व मदर डेयरी दोनों मिलकर किसानों से दूध खरीदेगी और इससे किसानों की आमदनी में निश्चित ही इजाफा होगा और राज्य में पशुपालन की स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सुपौल में 1 लाख लीटर क्षमता का डेयरी संयंत्र, समस्तीपुर व हाजीपुर में 30-30 मैट्रिक टन के दूध पाउडर संयंत्र, पटना व नालंदा में 20-20 हजार किलो दैनिक क्षमता के आइसक्रीम प्लांट स्थापित किए जाने के साथ ही पटना में पूर्व से स्थापित 100 मीट्रिक टन क्षमता के पशु आहार फैक्ट्री को 150 मीट्रिक टन में विस्तारित और 150 मीट्रिक टन की नई इकाई स्थापित की गई है। डेयरी स्थापित करने वाले किसानों को सरकार द्वारा 50% तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 66% अनुदान दिए जाने का दावा करते हुए उन्होंने कहा है कि किसानों की आमदनी केवल धान गेहूं की खेती करने से दोगुनी नहीं होगी, बल्कि इसके लिए समग्र रूप से वानिकी, डेयरी, मछली और मुर्गी पालन को अपनाना होगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल बिहार में प्रतिदिन 18 लाख किलो दूध का संग्रह व 14 लाख लीटर की मार्केटिंग सुधा डेयरी द्वारा की जा रही है। इस खबर के मुताबिक अब दूध उत्पादन की मदद से अब बिहार सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाएगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।